Hello everyone, my name is Tanushka and I am a student of SRCC pursuing economics honors from here. So ये video होने वाला है how I got into SRCC in my first attempt. क्योंकि अब CUET आ गया है, we have to give entrance exams. I will tell about my journey from school to SRCC. So making it into SRCC is actually a task until you get here. तो मैंने अपनी CUET preparation कैसे की, I will be talking all about that. हम लोगों के टाइम पे क्या था, उस टाइम टर्म वन और टर्म टू बोर्ड एग्जाम्स हो रहे थे. तो टर्म वन में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस किया, विच हेल्प मी अ लॉट इन CUET. और CUET के लिए जब हम फॉर्म भरते हैं ना, वहाँ पे भी एक मेजर टास्क होता है कि विच सब्जेक्ट्स डू यू सेलेक्ट. मेरे साथ क्या हुआ था, इट वॉज़ कंपल्सरी फॉर अस कि हम मैथ्स को ज़रूर रखें, बिकॉज मैथ्स इज़ अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी और परस्यू इकोनॉमिक्स ऑनर्स. तो मैंने अपना फॉर्म ही गलत भर दिया था. तो सबसे पहले ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपना फॉर्म ध्यान से भरें, वरना उसके बाद जो डिप्रेशन होता है दैट इज़ नेक्स्ट लेवल, जो मैंने फेस किया था. बट करेक्शन विंडो ओपन हुआ तो उसके बाद आई करेक्टेड माय फॉर्म, दोबारा से भरा एंड थिंग्स गॉट सॉर्टेड. उसके बाद आता है प्रिपरेशन के लिए पार्ट, के प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक्स रेफ़र की, कहाँ से क्या प्रिपेयर किया. तो तब CUET जो था फर्स्ट टाइम था, इंग्लिश के लिए कुछ ऐसी प्रिपरेशंस नहीं की थी, जस्ट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था किधर किधर से, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं. मेजर पार्ट वाज मैथ्स, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में आपके पास चॉइस थी कि आप जो अच्छा परफॉर्म करेंगे वो उसका आपका स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा, ऐड ऑन किया जाएगा आपके टोटल स्कोर में. मैथ्स के लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी था. और उसके अलावा 40 क्वेश्चंस होते हैं, आपको वो सभी क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं एंड देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग एज वेल. तो इट इज़ एक्चुअली अ टास्क कि आप CUET में मैथ्स को कैसे मैनेज करके चलते हैं. तो मैंने अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम के टाइम पर भी NCERT और NCERT एग्जाम्पलर से काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की थी, तो उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया. क्योंकि बोर्ड्स में भी मेजर जो पार्ट होता है एग्ज़ाम का वो वहीं से कवर अप कर दिया जाता है. एंड जो स्टूडेंट्स अभी CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके पास एक ये भी एडवांटेज है कि उनको PYQ क्वेश्चंस मिल सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. हमारे टाइम में वो भी अवेलेबल नहीं था. सो आपकी NCERT में जो दिया है उससे गो थ्रू करो, आपकी NCERT एग्जाम्पलर में जो दिया है उससे गो थ्रू ज़रूर करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मेजर पार्ट वहाँ से आप कवर कर सकते हैं. उसके अलावा मैंने मैथ्स के लिए प्रिपरेशन के लिए सिर्फ एक ही बुक को रेफ़र किया था, दैट वाज APC बुक्स का जो मैथ्स वाला आता है CUET प्रिपरेशन के लिए. तो वहीं से मैंने सब प्रिपेयर किया मैथ्स के लिए. उसके बाद जो मेरे सब्जेक्ट्स थे वो सब सब्जेक्ट्स वही थे जो मैंने क्लास 12th में पढ़े थे. तो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मैंने वही सब्जेक्ट्स लिए थे जो मैंने क्लास 12th में पढ़े थे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वगैरह. उसके लिए आपको बुक से ही रेफ़र करना पड़ेगा. आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट सैम्पल पेपर से, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग बिल्ड्स कॉन्फिडेंस. और ये ज़रूरी नहीं है कि आप CUET के PYQs करो, CBSE के PYQs भी कर सकते हो, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहते हैं, चीज़ें याद रहने लग जाती हैं. बट आपको बुक से थोरो रीडिंग ज़रूर ही करनी पड़ेगी ताकि आप बेसिक्स को समझ पाएँ, डेप्थ में कॉन्सेप्ट की जा पाएँ. बिकॉज MCQs कभी कभी असर्शन रीज़न और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें पढ़ी हुई काम नहीं आती है. यू हैव टू गो इन टू डेप्थ और उसके लिए थोरो रीडिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. अब मैंने चूज़ इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया था तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स को भी प्रेफरेंस में रखा था वहाँ पर एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने 12th में भी इकोनॉमिक्स को पढ़ा था. और उसके लिए भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए एक ही बुक मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताई थी, जहाँ पे मैंने क्लास 12th के लिए इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी बताई थी, उस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं. तो उसके लिए बेस्ट बुक है कि आप संदीप कर की बुक से स्टडी करो. वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत अच्छे से गिवन होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो. और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है कि थोरो रीडिंग करना वहाँ पर भी ज़रूरी है, क्योंकि कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं. बस दे चेक योर बेसिक नॉलेज, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कितनी है. और ये क्लैरिटी तभी आएगी जब आप बुक्स से चैप्टर्स को रीड करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे. क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट एज वेल. सो द नेक्स्ट पार्ट इज़ हमेशा माइंड में आता है कि कितना पढ़ना चाहिए, उसके लिए कितने आवर्स पढ़ना ज़रूरी है, कितनी प्रिपरेशन होनी चाहिए. तो बुक्स से जितना ज़्यादा पढ़ोगे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छा है, चैप्टर्स को जितना ज़्यादा रीड करोगे चीज़ें उतनी ज़्यादा माइंड में रहेंगी, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे क्वेश्चंस को वो अच्छा रहेगा. बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या होता है, दोनों चीज़ करनी पड़ती है, आपको थोरो रीडिंग भी उतनी करनी पड़ेगी एंड उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी उतना करना पड़ेगा. क्योंकि जब भी आप किसी एक नए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे कुछ नया ही सीखने को मिलेगा. सो गो विद दैट एज वेल. पढ़ाई के बारे में तो बात हो गई, कितना पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को, क्या स्ट्रैटेजीज़ रखनी है, वो सब हो गया. बट एक मेजर पार्ट ये आता है कि इसमें
एक मेंटल प्रेशर भी होता है कि आपके ऊपर, और बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट या आपको इकोनॉमिक्स में परस्यू करना है तो सबकी पहली चॉइस यही होती है दैट दे वांट टू गेट इनटू एसआरसीसी। लेकिन पढ़ाई के अलावा भी कुछ चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे आप सीयूईटी का फॉर्म भर रहे हो तो आपको कॉलेजेस की प्रेफरेंस कैसे भरनी है वो भी मैटर करता है। अगर आप एसआरसीसी से ऊपर किसी और कॉलेज को रख दोगे तो ऑब्वियसली यू कांट गेट इनटू एसआरसीसी, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है कि आपको अपने कोर्स के लिए प्रेफरेंस कैसे फिलअप करनी है। सो नाउ आई विल बी टेलिंग यू कि मेरा सीयूईटी देने का एक्सपीरियंस कैसा रहा था। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मेरे तो फॉर्म में ही गड़बड़ हो गई थी, बट करेक्शन विंडो होपफुली खुल गया तो उसकी वजह से शायद मैं अभी एसआरसीसी में हूँ, लेकिन नहीं खुलता तो शायद मुझे कोर्स भी पसंद का नहीं मिलता और शायद कॉलेज भी पसंद का नहीं मिलता। तो पहले तो फॉर्म ध्यान से भरना है, उसके अलावा जब मैंने सीयूईटी के लिए प्रिपेयर किया, ठीक है सब कुछ हो गया, अब मुझे एग्ज़ाम देने जाना था, और फर्स्ट डे जब मैंने एग्ज़ाम दिया, जब मैं सेंटर पर पहुंची, तो सबसे पहली चीज़ माइंड में ये आई कि इतने लोगों की भीड़ देखकर ऐसा लगता है कि मेरा सिलेक्शन कैसे ही होगा, इतने सारे लोग हैं। डीयू में 75,000 सीट्स है, एसआरसीसी तो दूर, मुझे किसी और कॉलेज में भी एडमिशन शायद नहीं ही मिलेगा बिकॉज़ कंपटीशन इज़ वेरी हाई। 15-15 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और उसके बाद डीयू में रजिस्ट्रेशन 6-7 लाख के होते हैं और सिर्फ कॉम्पिटिशन है 75,000 सीट्स के लिए। मैंने जब अपने एग्ज़ाम सेंटर पर मैंने फर्स्ट फुट अपना वहाँ पर रखा, तब भी मुझे बहुत ज़्यादा डाउन फील हुआ। आई लिटरली क्राइड इतनी ज़्यादा भीड़ को देख के, शायद एन्जाइटी हो रही थी, नर्वसनेस हो रही थी, आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट इट वाज समथिंग, आइदर आई वाज स्कैर्ड और इट वाज फियर, बट आई डोंट नो। तो वहाँ पर एग्ज़ाम देने के उस टाइम पे खुद को मैनेज करना कि खुद को काम कैसे रखना है, ऐसा लगता ही है बार बार कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, बट जब मैंने बच्चों को वहाँ पर देखे ना, देखा एग्ज़ाम में परफॉर्म करते हुए, तो शायद ये लोगों के लिए फ़नी हो, लाइक दे पीपल वर लाइक गेसिंग के 1, 2, 3, 4, 5 कौन सा ऑप्शन हम वहाँ पे फिल करें, जैसे वो करते हैं ना अक्कड़ वक्कड़ बम्बे, वो ऐसे वाला सीन था कि वो ऐसे चेक कर रहे हैं और इवन मैथ्स में वो ऐसा कर रहे हैं। सो आई फेल्ट वेरी गुड कि हाँ चलो इतना भी कॉम्पिटिशन नहीं है, हर कोई पढ़ के एग्ज़ाम देने नहीं आया है यहाँ पर। वहाँ से एक पॉजिटिव सेंस डेवलप होती है। एग्ज़ाम देने के बाद आई वॉज टू चिल के अब जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद CACS पोर्टल पे रजिस्टर किया एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, अक्टूबर में 21 अक्टूबर शाम के 5 बजे व्हेन आई चेक माय CACS पोर्टल और वहाँ पे लिखा है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ओ माय गॉड, दैट वाज द डे एंड आई एम हेयर। और आप भी यहाँ हो सकते हैं, जस्ट फॉलो ऑल दीज टिप्स जो मैंने आपको बताई एंड कीप काम। कोई नर्वस नहीं होना है, कोई एंजाइटी नहीं रखनी है, कोई सोशल प्रेशर नहीं, पीयर प्रेशर नहीं, जस्ट फोकस एंड होपफुली यू विल गेट योर ड्रीम कॉलेज। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आप ये सभी टिप्स को फॉलो कीजिए एंड श्योरली यू विल गेट इनटू SRCC। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।